वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। कहता है डायलेक्टिक स्लेब है, हम लोग के पास पी और क्यू दो कैपेसिटर है, उनके प्लेट्स में एक प्लस है एक माइनस है और मैंने दो डायलेक्टिक डाल दिया पार्शियली, एक का डायलेक्टिक कांस्टेंट K1 है दूसरे का K2 है। तो अगर मैं यहाँ से घूमता हूँ A पॉइंट से B पॉइंट तक सीधा घूमता हूँ जाता हूँ तो मुझे फील्ड और डिस्टेंस D में कौन सा रिलेशन ग्राफ सही है। चलो अब क्या होता है प्लेटों के बीच फील्ड, अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके पास ये प्लस है और ये माइनस है और यहाँ पर जो फील्ड होती है वो इन दोनों का होता है और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फील्ड जो कि एक कांस्टेंट फील्ड है, पोजीशन इंडिपेंडेंट है। तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये स्पेस ये जिसको मैं पिंक कलर से ये मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ, इस स्पेस में जो फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगा इन तीनों स्पेस में बराबर है, डाइलेक्ट्रिक के बीच छोड़ के तो तीन जगह कांस्टेंट रहेगा, तो तीन जगह फील्ड कांस्टेंट है। मतलब ये हुआ कि यहाँ तो तीन जगह कांस्टेंट है, यहाँ भी तीन जगह कांस्टेंट है, यहाँ भी तीन जगह कांस्टेंट है, यहाँ भी तीन जगह कांस्टेंट है यार, चलो कुछ और करते हैं। तो यहाँ से आ जाएंगे फील्ड कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट मिला कांस्टेंट, आगे सॉल्व करो। अब व्हाट इज द फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, आप पढ़े होगे कि अगर कैपेसिटर है इस ये प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है, इसके अंदर अगर मैं डाइलेक्ट्रिक डालता हूँ तो पोलराइज जो चार्ज होते हैं चार्ज डेवलप होता है, पोलराइजेशन हो जाता है, अगर ये प्लस है तो इस पे माइनस आ जाएगा और ये माइनस है तो इस पे प्लस आ जाएगा, मतलब एक फील्ड तो पहले से ही थी जो इधर थी ई नॉट एयर में और ये एक फील्ड इस माइनस वाले की वजह से आ जाएगी जिसको मैं बोल देता हूँ ई डैश इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट फील्ड और ये बाहर वाली फील्ड ये ई नॉट। तो अब जो नेट फील्ड कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक के प्लेटों के बीच आ जाएगी वो आ जाएगी ई नॉट माइनस ई डैश, मतलब डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो पोलराइजेशन की वजह से इंड्यूस फील्ड जनरेट हो गया, नेट फील्ड ये जो गैप है जहाँ एयर है उससे कम ही आएगी यार, कितना कम आती है वो आप एयर का के टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दिस इज द नेट फील्ड, इतनी टाइम्स कम होती है, हम लोग डिराइव करके थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़े हैं। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो फील्ड ज़्यादा कम होगी यार, डाइलेक्ट्रिक ज़्यादा होगा तो फील्ड भी कम होगी, मतलब वीक फील्ड होगी। तो यहाँ से आपको बात ये तो पता लग गया कि अब ये सारा डेटा मैं यहाँ पर ला के यूज करता हूँ। चलो तो मैं यहाँ से जाता हूँ तो देखो फील्ड यहाँ से जाता हूँ फील्ड कांस्टेंट मिला, सारे ऑप्शन में फील्ड कांस्टेंट है, अचानक से फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, देखो जैसे ही K1 मिला फील्ड डिक्रीज हो जाएगा कितना E naught times K फील्ड डिक्रीज हो जाएगा 1/K times फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से फील्ड डिक्रीज यहाँ पर फील्ड इंक्रीज हो गया ये कभी सही नहीं हो सकता, यहाँ पर फील्ड यहाँ जीरो हो गया ये भी कभी सही नहीं हो सकता, यहाँ पे फील्ड डिक्रीज हुआ यहाँ पे फील्ड डिक्रीज हुआ इन दोनों के 50-50 चांस हो गए। आगे बढ़ जाओ, यहाँ से आगे बढ़ोगे तो इस गैप में फील्ड क्या होगा कांस्टेंट रहेगा, तो आगे बढ़ो तो यहाँ डिक्रीज हुआ फील्ड कांस्टेंट रहा, चलो अभी भी चांस बनता और आगे जाना पड़ेगा, इसके अंदर आओगे सेकेंड के अंदर तो फिर से फील्ड डिक्रीज होगा। तो यहाँ तक तो हम लोग आ चुके थे ये एयर, अब फील्ड डिक्रीज हुआ देखो यहाँ अचानक से फील्ड बढ़ गया जो कि गलत है, तो यहाँ फील्ड डिक्रीज होगा मतलब सी ऑप्शन सही है और ये डिक्रीज कुछ ज़्यादा ही कम होगा क्योंकि इसकी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा है, तो इन दोनों में जो फील्ड की कमी है सी ऑप्शन सही है।